नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडिया में जितने भी एक्सीडेंट्स डेली बेसिस पर होते हैं, उनमें से ज्यादातर का सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो तेज रफ्तार या फिर जल्दबाजी में ड्राइविंग करना होता है, जिसे हम रैश ड्राइविंग भी बोलते हैं। अब रैश ड्राइविंग लोग क्यों करते हैं? एक तो इसका रीजन है दिखावा, दूसरा होता है अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचना, और तीसरा होता है बस मजे लेना। तो रीजन कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ रैश ड्राइविंग से। अगर आप ये कर रहे हैं तो बस इतना समझिए कि आप खुद का और दूसरों का बिना वजह नुकसान करवाने वाले हैं। और ये चीज आज के सऊदी और सेंट्रो के बीच हुए एक्सीडेंट में भी देखने को मिल जाएगा, जो रिसेंटली फेसबुक के ग्रुप में शेयर किया गया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली NH-45 पर किसी जगह हुआ है, जिसका सबसे पहले आप ये डैश कैम फुटेज देखिए। ऐसा लग रहा है फुटेज थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, इसीलिए चीजें थोड़ा जल्दी जल्दी होती दिख रही हैं। खैर, फिर भी यहाँ पर पीछे से थोड़े तेज रफ्तार में एक ऑडी आती है और सबको ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है। आप देख सकते हैं इसका ड्राइवर इतने जल्दी में है कि आगे निकलने के चक्कर में गाड़ी को बिल्कुल सड़क के नीचे ही उतार देता है। हालांकि जैसे ही सेडान आगे निकलती है, सामने कुछ ट्रक्स आ जाते हैं, जिसको ड्राइवर ओवरटेक नहीं कर पाता है और एक तरह से कहिए उसको इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ जाता है, जिसके बाद पीछे से आ रही सेंट्रो अनकंट्रोल होकर सेडान के बैक साइड में घुस जाती है। यहाँ पर दोनों गाड़ियों के डैमेज का ज्यादा अंदाजा नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद का कोई फुटेज नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी देखकर ऐसा लग रहा है कि सेंट्रो का फ्रंट और ऑडी का बैक काम भर का डैमेज हो गया है। उम्मीद करते हैं पैसेंजर्स सेफ हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल्दबाजी वाली ड्राइविंग कैसी होती है। आप खुद का तो नुकसान करते ही हैं, साथ में दूसरों को भी आपकी वजह से बिना वजह लेने के देने पड़ जाते हैं। हालांकि सेंट्रो के ड्राइवर को भी ऑडी के ओवरटेक होते ही अपनी स्पीड बढ़ाने के बजाय थोड़ी कम कर लेनी चाहिए थी, हो सकता है कार टाइमली कंट्रोल हो जाती। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।